Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान संख्या तेरह में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं हमारे चर्चा के जानने वाले आज के विषय क्या रहेंगे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिचय से ट्रेड यूनियन के इंट्रोडक्शन से हम बात करेंगे उसके बाद हम बताएंगे ट्रेड यूनियन क्या है इसको किस प्रकार से कार्य करता है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्या उद्देश्य ये पूरे करता है इसकी भूमिका क्या रहती है एक संगठन में ट्रेड यूनियन के कार्य क्या हैं किस तरीके से ये अलग अलग लेवल्स पे डिफरेंट फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके प्रकार की आगे हम जानकारी लेंगे इसके महत्व की ट्रेड यूनियन का होना किसी भी संगठन में क्यों आवश्यक है इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं ट्रेड यूनियन के अधिकार और दायित्व क्या हैं इनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जिनको हम लाइबिलिटीज़ के तौर पर यहाँ पर बात करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत में ट्रेड यूनियन के विकास का चरण किस किस तरह से ये भारत में आया और किस तरीके से इसका फॉर्मूलेशन हुआ जिसके फेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन की बहुलता एवं प्रभावशीलता के बारे में मल्टीप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेड यूनियन ये हमारे कुछ विषय रहेंगे आज के चर्चा के जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे इसके साथ ही हम जान लेते हैं इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद आपके क्या उद्देश्य पूरे होंगे किन ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा कर पाएंगे तो कंप्लीशन के बाद ट्रेड यूनियन का मतलब आप समझ सकेंगे आप समझ सकेंगे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है किस प्रकार से हम इसको किसी संगठन में इस्तेमाल करते हैं इसके कार्य को देखते हैं ट्रेड यूनियन के विभिन्न प्रकारों को आप समझ पाएंगे ट्रेड यूनियन के विभिन्न विकास चरणों के बारे में आप जान पाएंगे इसके क्या फेजेस हैं किस प्रकार से ये हमारे भारत देश में इसका फॉर्मूलेशन हुआ इसके साथ ही आप जान पाएंगे ट्रेड यूनियन के कर्तव्यों को उनकी ज़िम्मेदारियों को वर्तमान परिषद में ट्रेड यूनियन की प्रभावशीलता के बारे में जान पाएंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेड यूनियन इन प्रेजेंट सिनेरियो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्या ये डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल को प्ले करता है इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें आज के इस व्याख्यान से मिल पाएगी तो शुरुआत करते हैं परिचय से इंट्रोडक्शन से हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन उन श्रमिकों का एक संगठन है जो बेहतर कामकाजी परिस्थितियां जैसे सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हुए हैं एक तरीके से आप समझ लीजिए आपके जो संगठन हैं उसमें कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं उनकी एक संगठन है उनमें एक यूनिटी बना लेते हैं जिसको कि हम ट्रेड यूनियन का नाम देते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में बैंडेड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल सच एज़ बेटर वर्किंग कंडीशन ये एक एक एकजुट हो जाते हैं क्योंकि ये विश्वास रखते हैं कि एकता में शक्ति है और मिल ये अपने कार्य को और बेहतर बनाने के लिए एक वर्किंग एनवायरनमेंट को कंडीशन को और बेहतर करने के लिए ये एक यूनियन बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रेड यूनियन का ट्रेड यूनियन अपने नेतृत्व के माध्यम से यूनियन सदस्यों रैंक और फाइल सदस्य की ओर से नियुक्ता के साथ सौदेबाजी करता है और नियोक्ताओं के साथ श्रम अनुबंध पर बातचीत करता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है जब ये यूनियन बन जाती है तो जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ यहाँ पर ये नेगोशिएशन करते हैं जिस तरह की, की भी ये आ, मांगे रखते हैं अपनी संगठन में जो ये कार्य करना चाहते हैं किस प्रकार से करना चाहते हैं क्या वर्किंग इनकी कंडीशंस और टर्म्स होने चाहिए उसके लिए ये इसके द्वारा एम्प्लॉयर्स से नेगोशिएशन करते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपनी बात को कहते हैं तो ये आपके एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे कार्य करता है जो आपके कर्मचारी हैं उसके बिहाफ पे ये वर्क करेगा इसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं किस तरीके से ट्रेड यूनियन कार्य करता है जैसे पहले हमने बात करी वेतन पे बातचीत ये जो यूनियन है ये एम्प्लॉयर्स से कहीं ना कहीं जितने भी इम्प्लॉयज हैं जो कर्मचारी हमारे संगठन में कार्य कर रहे हैं उनका वेतन किस प्रकार से होना चाहिए उनकी वेतन वृद्धि कैसे होनी चाहिए अगर आपको याद हो जब हमने वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी थी कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स के बारे में बात करी थी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था जिस पर यह फ़र्क डालता था कि किस तरीके से किसी भी संगठन में वेतन की वृद्धि होनी चाहिए उसके जो एम्प्लॉयीज़ हैं उसको किस प्रकार से उनके कार्य करने का वेतन देना चाहिए तो उस पर यह बातचीत करता है कार्य के क्या नियम होंगे किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन संगठन तो बनाता ही है कार्य करने के रूल्स एंड रेगुलेशन लेकिन उसके साथ साथ ट्रेड यूनियन भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन्स को डिफ़ाइन करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से संगठन में कार्य करेंगे इसके बाद इनकी शिकायतें प्रक्रियाएं अगर कोई भी कंप्लेंट्स हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ की तो उसका क्या प्रोसीजर होगा उनके कंप्लेंट्स को दूर करने का उनकी शिकायतों को दर्ज कराने का उसकी प्रक्रिया के बारे में ये बात करते हैं इसके साथ ही ये बात करते हैं नियुक्त को निरंतर करने वाले नियम रूल्स गवर्निंग हायरिंग जब आप अपने संगठन में किसी भी इम्प्लॉयी को हायर करते हैं जब उसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं तो क्या कायदे और कानून आपको मानने पड़ेंगे और आप किस प्रकार से हायरिंग करेंगे उसमें कोई भेदभाव ना आप रखिए उसके बारे में ये ध्यान रखते हैं इसके साथ ही श्रमिकों की बर्खास्ती और पद्धोति के बारे में ये ध्यान रखते हैं अगर किसी इम्प्लॉय का प्रमोशन होना है या उसको एम्प्लॉयी को ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा है तो ये उस बात पे बहुत हद तक ध्यान रखते हैं कि किस एम्प्लॉई का किस तरह से प्रमोशन होना चाहिए अगर किसी आ, इसी गलत कारणों की वजह से अगर किसी एम्प्लॉई को फायर किया जा रहा है उसको निकाल दिया जा रहा है बिना किसी गलती के या बिना किसी चीज़ के तो उस पर भी ये बात करते हैं इम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के बारे में ये बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए किस तरीके की सुख सुविधाएँ उन्हें अपने संगठनों से मिलनी चाहिए उस पर ये चर्चा करते हैं इसके साथ ही ये ध्यान रखते हैं वर्क प्लेस सेफ्टीज़ एंड पॉलिसीज़ की जो संगठन हैं वो किस प्रकार से अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और नीतियां तैयार करती हैं उन सारे ही विषयों पे इनका ध्यान रहता है तो आप समझ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में ट्रेड यूनियन का होना एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्प्लॉय के जितने भी रोल्स हैं इम्प्लॉई के सेफ गार्ड करने में ये मदद करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं उनके ओर से ये एक आवाज़ उठाते हैं जिसमें ये नियुक्तकर्ताओं से एम्प्लॉयर से अपनी सारी ही चीज़ों की जरूरतों की मांग रखते हैं इसके आगे अगर हम जाने कि ट्रेड यूनियन है क्या ट्रेड यूनियन को हम क्या कहते हैं किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास ट्रेड यूनियन एक्ट है जो कि पास हुआ था 1926 में 1926 में एक्ट आया था जो ट्रेड यूनियन पे बनाया गया था और ये कहता है एक्ट एनी कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्कर एंड एन एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन एंड वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स तो इन्होंने कहा कि कोई भी रिलेशनशिप हो या तो कर्मचारी और नियुक्तकर्ताओं के बीच में कोई रिलेशनशिप हो या नियुक्तकर्ताओं के से नियुक्तकर्ताओं के बीच में रिलेशनशिप या कर्मचारियों का कर्मचारियों से रिलेशनशिप तो तीन तरीके के रिलेशनशिप्स इन्होंने इस एक्ट में बताया किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है वर्कमैन और एम्प्लॉयर का भी हो सकता है वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन का भी हो सकता है और एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर का भी हो सकता है फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेसिस इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन अगर किसी भी कार्य किसी भी व्यापार में किसी भी संगठन में अगर किसी भी तरीके का अनफेयर कोई प्रैक्टिस हो रही है जो किसी के भी हित में नहीं है तो उस पर ये ट्रेड यूनियन एक्ट काम करता है और इनके रिलेशंस को इनके इंटरेस्ट को सेफ करने पर ये बात करता है तो इस डेफिनेशन के थ्रू जो कि 1926 ये ट्रेड यूनियन एक्ट ने दी है 1926 में उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन केवल इम्प्लॉज़ का ही एक संगठन नहीं है ये बात बहुत हद तक हम समझ पा रहे हैं जिसमें आपके बिज़नेस पर्सनस जो हैं आपके जो एम्प्लॉयस हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सो ट्रेड यूनियन इज नॉट जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन ऑफ अ फैक्ट्री और अ ट्रेड और अ बिजनेस बट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स ठीक है तो ये हमें यहाँ पर एक बहुत हद तक क्लैरिटी मिलती है जो हम अमूमन तौर पे सोचते हैं कि ट्रेड यूनियन केवल कर्मचारियों के ही बारे में बात करता है और उन्हीं के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है बट ऐसा नहीं है 1926 जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो ये कहता है कि इसमें किसी भी दो प्रत्यय के रिलेशनशिप चाहे वो वर्कमैन से वर्कमैन का हो चाहे वो वर्कमैन से मैनेजर का हो या किसी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप हो उन सभी को ये यहाँ पर प्रोटेक्ट और सेफ करने की कोशिश करते हैं अगर किसी भी तरीके के अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में बात होती है आगे बात करते हैं इसी के तहत 1926 के तहत जो हमने ट्रेड यूनियन एक्ट कहा है वो एक्सप्रेस करता है दैट ट्रेड यूनियन इंक्लूड्स बोथ employers एंड the वर्कर्स इन the ऑर्गेनाइजेशन एंड the ट्रेड यूनियन union however is कॉमनली used टू रेफर the ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फॉर्म टू प्रोटेक्ट देअर राइट एंड एनहैंस देयर वेलफेयर तो हमने ये डेफिनेशन में पढ़ तो लिया कि 1926 में ये कहा गया कि ये दोनों के बारे में बात करता है लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेड यूनियन जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है कर्मचारियों के लिए जो संगठनों में कार्य कर रहे हैं उनको ही यूजली हम रेफर करते हैं ट्रेड यूनियन के नाम से और ये मेनली uh, जो काम करता है वो यही करता है कि आपके संगठनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को किस प्रकार से आप प्रोटेक्ट कर सकें और उनके इंटरेस्ट uh, के सेफ की बात कर सकें तो आइए जानते हैं वीवी गिरी के अनुसार ट्रेड यूनियन को वो किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो कहते हैं ट्रेड यूनियन एक वॉल्ट्री एसोसिएशन है वर्कर्स की जो अपनी स्वेच्छा से वो फॉर्म करते हैं ताकि वो प्रमोट कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें अपने कलेक्टिव राइट्स को एक साथ मिलके वो अपने लिए आवाज उठा सकें और अपने प्रोटेक्शन के अपने सेफ के बारे में बात करें तो ये मिल अपनी स्वेच्छा से इस यूनियन को बनाते हैं और अपने राइट्स को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू दिस यूनियन इसके आगे हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन के उद्देश्य क्या हैं किस उद्देश्य से इसको बनाया जाता है तो अलग अलग उद्देश्य हैं इसके सबसे पहले प्रतिनिधित्व के तौर पे ये कार्य करता है क्योंकि ये इंप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है और वो इसीलिए इसको कलेक्टिवली मिल के इस कार्य को करते हैं ताकि उनके बिहाफ पे कोई एज ए रिप्रजेंटेटिव जाके उनकी बात कर सके नियोक्ताओं के साथ ये बातचीत करने के लिए बनाया जाता है ताकि नेगोशिएशन की जा सके अगर उनकी कोई भी बात है किसी भी बात को वो पूरा कराना चाहते हैं तो किस प्रकार से इम्प्लाईज़ एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियन बैठ के बातचीत करें और किसी भी समस्याओं का हल निकाल पाएँ निर्णय प्रभावी कार्यकर्ताओं की एक आवाज़ है ये ये उनकी तरफ से एक वॉइस है जो आप रेस करते हैं अगर किसी भी तरीके का कोई गलत कार्य हो रहा है उनके प्रति अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो की जा रहे हैं या उनके साथ कोई अनफेयर डीलिंग uh, हो रही है तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उनको बहुत प्रकार की सेवाएं भी दी जाती हैं इस ट्रेड यूनियन के द्वारा जिससे कि शिक्षा और प्रशिक्षण की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कानूनी सहयोग दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को वितई छूट दी जाती है फाइनेंशियल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं जो इसके पार्ट होते हैं जिन लोगों ने यूनियन ज्वाइन कर रखी होती है और कल्याण के लाभ के बारे में भी बात होती है तो आइए जानते हैं इन सारे विषयों को एक एक करके और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ट्रेड यूनियन अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्टिव जो है जिसको प्रतिनिधि भी हम कह रहे हैं वो पूरा करता है तो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंडिविजुअल वर्कर को कोई भी संगठन में कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं जो इस संगठन को बनाते हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं तो वो हर एक इंडिविजुअल मेंबर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं वॉट एवर दी प्रॉब्लम दे आर हैविंग एट देयर वर्क जब वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने में जो भी उनको समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को कौन उनके सामने रखेगा एम्प्लॉयर के सामने वो बार बार जाके एक एक इंडिविजुअल की बात तो मुश्किल होता है एम्प्लॉयर के लिए भी सुनना तो वह सोचते हैं कि अगर हमारे साथ एक ऐसी संगठन होगी ऐसा कोई एक यूनियन हम बना लेंगे जो हमारे तरफ से हमारी बात को आगे रख सके मैनेजमेंट के सामने क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मैनेजमेंट से एम्प्लॉयर से बातचीत करना और इस तरीके से अपने डिस्कशंस को करना जहाँ पर आमतौर पे अपनी समस्याओं के बारे में आप बार बार रख सकें तो ये यूनियन उनके बिहाफ पे का एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है एक प्रतिनिधि बन जाता है जो मैनेजमेंट के पास जाकर उनकी समस्याओं को रखता है इफ़ एन एम्प्लॉय फील दैट ही इज़ बीन अनफेयरली ट्रीटेड अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है ही कैन आज द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव टू हेल्प और सॉर्ट आउट द डिफिकल्टी विद द मैनेजर और एम्प्लॉयर यूनियन ऑल्सो ऑफर देयर मैम्बर लीगल रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली दिस इज़ टू हेल्प पीपल गेट फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज और टू असिस्ट पीपल हु वॉन्ट टू टेक देअर एम्प्लॉयर टू दी कोर्ट तो ये यूनियन uh, जो है वो आपके Uh, समस्याओं को तो मैनेजर के सामने रखता ही है इसके साथ साथ आपको एक लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है अगर मान लीजिए आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है या कोई मिसकंडक्ट किया गया है कोई अनफेयर प्रैक्टिसज़ आपके साथ फॉलो की जा रही हो जिसकी वजह से आपको कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी uh, के तौर पे भी आपकी आप, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के कार्य करता है और मान लीजिए कोई इम्प्लॉ कर्मचारी अपने अपने नियुक्तकर्ता को कोर्ट ले जाना चाहता है उसे लगता है कि उसको बाई लॉ इसका एक एक जवाब मिलना चाहिए या उसके थ्रू उसका आंसर होना चाहिए तो उसको वो करने में भी मदद करता है उनका ट्रेड यूनियन इसके बाद दूसरा हमने जैसे बात करी नेगोशिएशन नेगोशिएशन है बातचीत करना तो बातचीत वह जगह है जहाँ यूनियन के प्रतिनिधि प्रबंधन के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो किसी संगठन में काम करने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं प्रबंधन और यूनियन सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है ट्रेड यूनियन इन मतभेदों का समाधान निकालने के लिए नियुक्तकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं और ये जो बातचीत होती है वो अलग अलग मुद्दों पर हो सकती है अलग अलग विषयों पर उनकी बातचीत हो सकती है मान लीजिए दोनों ही पक्ष किसी भी बात पर सहमत नहीं है तो उनको सहमति रखने के लिए ये नेगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी है और क्या आ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि वो बातचीत कर रहे हैं क्या विषय हो सकते हैं जैसे कि वेतन काम के घंटे कितना कार्य वो करेंगे छुट्टियाँ कामकाजी काजी प्रथाएँ कैसी होंगी उनमें बदलाव कैसे किए जा सकते हैं तो इन सारे विषयों में और इसके अलावा भी जो ये कर्मचारी से रिलेटेड कार्य होते हैं संगठन में उन सारे ही मुद्दों पे उन सारे ही विषयों पर इन नेगोशिएशन के द्वारा बात की जा सकती है ट्रेड यूनियंस की इसके अलावा जैसे हमने कहा वॉइस ऑफ डिसीजन इफेक्टिव वर्कर ये कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा न केवल वेतन के स्तर और उनके रोजगार की अवधि से निर्धारित होता है बल्कि प्रबंधन के व्यक्तिगत नीतियों से भी निर्धारित होता है जो छटनी, छटनी प्रदोदिति और संस्थान्तर के लिए कर्मचारियों का चयन शामिल है ये नीतियाँ सीधे श्रमिकों को प्रभावित करती हैं और ऐसे निर्णयों के लिए मूल्यांकन मानदंड निष्पक्ष नहीं हो सकते इसीलिए ऐसे निर्णय लेने में यूनियनों का हस्तक्षेप एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से श्रमिक अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने में अपनी बात रख सकते हैं ट्रेड यूनियन का जो फॉर्मेशन है वो केवल बातचीत करने के लिए या रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्मर ही नहीं है लेकिन अगर उन्हें किसी मुद्दे पे लगता है कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है या उनकी बात को अनकहा कर दिया गया है या उनके साथ इस तरह की, की प्रैक्टिस हो रही हैं जिसके खिलाफ़ वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा वो अपनी बात नियुक्तकर्ताओं के सामने रख सकते हैं तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ दी एम्प्लॉज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस ट्रेड यूनियन के द्वारा इसके अलावा मेंबर सर्विसेज़ जैसे मिलती हैं जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने इसके मेंबर्स बने हुए हैं ट्रेड यूनियन के जो पार्ट हैं उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रेड यूनियन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जैसे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग की सो मोस्ट यूनियन रन ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर देयर मेंबर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट राइट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड अदर इशूज़ सो सम यूनियन ऑल्सो हेल्प मेम्बर हु हैव लेफ्ट स्कूल विद लिटिल एजुकेशन बाई ऑफरिंग कोर्सेज ऑन बेसिक स्किल्स एंड कोर्स लीडिंग टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सो बहुत सारे यूनियन जो हैं वो इस प्रकार की सेवाएं भी अपने कर्मचारियों को देते हैं वो इस तरीके के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे रन करते रहते हैं ताकि कर्मचारी अपनी आ, शिक्षा को अपने स्किल्स को अपने एजुकेशन को बढ़ा सके या किसी कारणवश अगर किसी कर्मचारी को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी थी बीच में और उसको नौकरी करनी पड़ी तो कैसे वो अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है और आगे प्रोफेशनल एजुकेशन को गेन कर सकता है उस सब की भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेड यूनियन का ना केवल यही एक एक उद्देश्य है कि वो केवल और केवल नियोक्ताओं से उसका बचाव कर सके लेकिन एम्प्लॉज़ को कर्मचारियों को अपने स्तर पे और ज़्यादा पोटेंशियल बना सके और ज़्यादा कैपेबल बना सके ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है इसके साथ ही उन्हें लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिस जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी एम्प्लॉ को लगता है कि उसको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी तरीके से अनफेयरली ट्रीट किया गया है और उसको उसके लिए फाइनेंशियल कंसिड्रेशन चाहिए या उसको कोर्ट तक ले जाना चाहता है तो ट्रेड यूनियन उनको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें सो एज़ वेल एज ऑफरिंग लीगल एडवाइस ऑन एम्प्लॉयमेंट इशूज सम यूनियन गिव देम पर्सनल हेल्प दैम विद दी पर्सनल मैटर लाइक हाउसिंग विल्स एंड डेप और इसके साथ ही उनकी अगर आ, कोई पारिवारिक समस्याएं हैं या उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं लोन से रिलेटेड या किसी डेप से रिलेटेड तो उन सारी चीज़ों में भी ये उनको मदद करते हैं ना केवल संगठनों से आ, बचाने में बट उनकी अगर कोई आ, अपनी पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी ये इनको मदद प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा इनको फाइनेंशियल डिस्काउंट्स देते हैं जो ट्रेड यूनियन हैं वो अपने कर्मचारियों को डिस्काउंट्स दे सकते हैं मॉर्गेजेस जो हैं उनके वो कम रख सकते हैं इंश्योरेंस उनको देते हैं बहुत सारे कर्मचारी यूनियन से लोन भी ले सकते हैं अपने आप को और बेहतर करने के लिए तो ये सारी चीज़ें भी वो हेल्प करते हैं क्योंकि ये संगठन बनाया ही कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हर तरीके का चाहे वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड उनका सपोर्ट हो चाहे वो उनको लीगल असिस्टेंस से रिलेटेड सपोर्ट हो चाहे उनको फाइनेंशियल से रिलेटेड सपोर्ट हो या फिर वेलफेयर से रिलेटेड सपोर्ट हो सो वन ऑफ द अर्लीस्ट फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन वर ऑल्सो टू लुक आफ्टर द मैंबर हु हिट हार्ड टाइम्स सम ऑफ़ दी ओल्डर यूनियंस ऑफ फिनशियल हेल्प टू देर मैंबर्स वैन दे आर सिक और अनएम्प्लॉयड तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियंस भी हैं जो अपने कर्मचारियों को अगर वो बीमार हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है उनके पास नौकरी नहीं है अनएम्प्लॉइड हैं तो ऐसे समय पर भी वो वेलफेयर मेजर्स के तौर पे अपने कर्मचारियों को अपने मेंबर्स को ये सेफ़्टी भी प्रोवाइड करते हैं उन्हें सिक्योरिटी भी देते हैं और उनकी आगे बढ़ के मदद भी करते हैं तो ये एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के लिए बना होता है कर्मचारियों के लिए ये कार्य कर रहा होता है और उनकी हर तरीके की परेशानी उनकी तकलीफ़ों में ये उनका हेल्प करता है मदद करता है तो बहुत अच्छा होता है संगठनों में अगर कर्मचारियों के पास इस तरीके के यूनस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ऐसे किसी संगठन को जॉइन कर सकें कि इस ऐसे किसी संगठन के वो मेंबर बन सकें जहाँ उनके उनके प्रति कोई भी हो रहे अनफ़ेयर प्रैक्टिसेस को वो अपने किसी बंदे से कह सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव होकर उनकी बात को रख सकें उनकी चीज़ों पर बातचीत कर सकें उनके खिलाफ जो हो रहे परेशानी है उस पर वो आवाज़ उठा सके और उनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सके तो ये कुछ उद्देश्य थे ट्रेड यूनियंस के आगे हम बात करेंगे रोल्स की ट्रेड यूनियन किस प्रकार के रोल्स आ, को निभाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वो संगठनों में अपने डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास होती हैं एम्प्लॉयस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेडिशनली ट्रेड यूनियंस जो हैं उनका रोल है प्रोटेक्ट करना कर्मचारियों की नौकरियां उनकी अर्निंग्स को जो भी वो नौकरियां कर रहे हैं उस नौकरी पे वो जो कार्य करने पे उनको जो वेतन दिया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका यही है कि वो अपने कर्मचारियों की नौकरियों का नौकरियों पर कार्य कर रहे मिल रहे वेतन का उनके बेटर कंडीशन का उनकी लाइफ का एक्सप्लाइटेशन से आर्बिट्रेशन से और ये इंश्योर करें कि उनके साथ फेयरनेस और इक्विटी के साथ डील किया जा रहा है उनको कहीं अनफेयर या डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा और कहीं उनको इक्वालिटी या कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा इस बात पे वो ध्यान रखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका रोल है वो यही है कि अपने एम्प्लाइज़ का वो ध्यान रखें और अपने कर्मचारियों का जो भी उनके मेम्बर्स हैं उनसे हो रहे जितनी भी समस्याएँ उनका वो ध्यान रखें इसके अलावा ये ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके बेसिकली हम यहाँ कह रहे हैं दी कंसर्न्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्सटेंड्स बियॉन्ड ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ केवल कार्य करने के लिए ही नहीं रोटी और मक्खन किस तरीके से वो कार्य कमा रहे हैं ब्रेड और बटर की हम बात कर रहे हैं कि काम करना और काम करने से मिल रहे वेतन तक ही नहीं है उसके अलावा भी उनकी हर छोटी बड़ी परेशानी का यहाँ पर ध्यान रखने से उनकी जिम्मेदारी होती है और वो उस रोल को यहाँ पर प्ले करते हैं ट्रेड यूनियन आर ऑल्सो सीन एज दी मॉरल इंस्टीट्यूशन विच विल अपलिट दी वीक एंड डाउन रॉडन एंड रेंडर दैम प्लेस द डिग्निटी जस्टिस दैज दे डिजर्व तो जो ट्रेड यूनियन है वो एक तरीके से मॉरल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है और ये उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखते हैं जो थोड़े से वीक हैं या जो थोड़े से जिन जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है संगठनों द्वारा तो उन पर भी ये ध्यान देते हैं और उनको उस तरीके की पोजीशन दिलाने की कोशिश करते हैं जिसके वो हकदार हैं तो इनका जो रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनके सारी ही एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है ना केवल ब्रेड और बटर पे ध्यान देना है इसके अलावा जो कुछ एम्प्लॉयज़ थोड़े से वीक हैं या जिनको अपलिफ्ट कराने की ज़रूरत है तो उनको भी वो बेहतर पोजीशन दिलाने के लिए ये कार्य करते हैं जिसके वो हकदार होते हैं चलिए बात करते हैं फंक्शंस की ट्रेड यूनियन के कार्य क्या हैं क्या अलग अलग तरीके के ये जो फंक्शन हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं इन फंक्शंस को हम तीन भाग में डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारी उग्रवादी कार्य जिसको हम मिलिटेंट फंक्शंस के नाम से जानते हैं भाईचारे के कार्य क्या हैं फेटर्नल फंक्शंस और इसमें हमारे इंट्राम्यूरल और म्यूरल फंक्शंस तीन तरीके के फंक्शंस हैं जो ट्रेड यूनियन आ, प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिटेंट फंक्शंस की मिलिटेंट फंक्शंस हमारे तीन तरीके के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं ये चाहते हैं कि हमारे संगठन में कार्य कर रहे जितने भी कर्मचारी हैं उनको हायर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशंस दी जाएं, इनकी ये मांगे रहती हैं ये ट्रेड यूनियन इस बात का खासकर से ध्यान रखते हैं कि जितने भी कर्मचारी एक संगठन में कार्य कर रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर वेतन मिले और उनको बढ़िया से बढ़िया कार्य करने का एनवायरमेंट मिले इसके साथ ही ये चाहते हैं कि एज दी स्टेटस ऑफ वर्कर एज दी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनका एक स्टेटस बढ़े उनको ऊँची पद्धतियाँ मिलें जिससे कि वो कार्य कर रहे हैं और उसके साथ उनको पोजीशन uh, भी मिले और रेस्पेक्ट भी मिले इस पर भी ये बहुत हद तक ध्यान रखते हैं और ये बात करते हैं टू प्रोटेक्ट लेबर अगेंस्ट विक्टमाइजेशन एंड इनजस्टिस इनकी ये पूर्णता कोशिश रहती है कि कोई भी इनका कर्मचारी किसी विक्टम का शिकार ना हो और उसके साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस ना हो तो ये जो मिलिटेंट फंक्शन है वो इन चीज़ों का बहुत ही बखूबी ध्यान रखते हैं कि उनके कर्मचारी जो हैं उन्हें बेहतर तनख्वाहें मिलें बेहतर पोजीशन मिलें किसी भी चीज़ के वो शिकार ना हो किसी भी तरीके के उनके साथ इनजस्टिस ना हो इस पर वो गहन चिंता रखते हैं और जब सामूहिक सौदेबाजी और बातचीत के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा करने में अगर नियुक्तकर्ता विफल हो जाते हैं वो इस सारी जितने भी उनके गोल्स हैं या जिस तरीके से वो चाहते हैं अपने संगठन में कर्मचारियों के लिए चीज़ें होना अगर नियुक्तकर्ता इनकी इन सारी बातों में विफल हो जाते हैं और उनको इस तरीके से नहीं प्रोवाइड करते हैं जो वो चाहते हैं एक नेगोसिएशन के द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा तो ये अलग माध्यम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हड़ताल पर उतर आते हैं बहिष्कार करते हैं चीज़ों का बॉयकॉट कर देते हैं घिराव जैसे कार्य करने लगते हैं जो कि संगठनों के लिए अलग से तकलीफ़ का विषय होता है तो ये जो मिलिट्रेंट फंक्शन है मिलिटेंट फंक्शन जिसको हम उग्रवादी कार्य भी कह रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से फोर्सफुली अपनी बातों को रखते हैं और ये अपनी मांगों को पूरा ना होते हुए देख इस तरीके के स्टेप्स में भी आ, इंडल्ज हो जाते हैं जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में डिस्कस किया था आपके स्ट्राइक्स हैं लॉकआउट्स हैं घिराव हैं लॉकआउट्स तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो इनके पास जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये हड़ताल करने लगते हैं बॉयकॉट करने लगते हैं या घिराव जैसे एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर इनकी बातों को नहीं मानना चाहता इसके बाद हमारे जो फेटरनल फंक्शंस हैं ये थोड़े से भाईचारे जैसे कार्य हैं जिसको करता है टू टेक अप वेलफेयर मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द मोरल ऑफ दी वर्कर्स ये चाहते हैं कि संगठन जो हैं वो अपने कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार से कार्य करें ताकि वो उनके वेलफेयर पे ध्यान दें उनके उनको बेहतर सेवाएं और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें टू तो जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वर्कर्स ये चाहते हैं कि जो इनके कार्य कर्मचारी हैं उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके कॉन्फिडेंस के साथ कर सके उसका जो कॉन्फिडेंस है अगर वो अच्छा होगा कार्य करने में तो वो अपना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी uh, और डिसिप्लिन बना रहे कर्मचारियों के बीच में ईमानदारी और अनुशासन का होना बेहद ही ज़रूरी है किसी भी संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ये चाहते हैं कि इनके एम्प्लॉयमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ग्रोथ की प्रमोशन की ताकि उनका जो डेवलपमेंट है करियर डेवलपमेंट वो भी होता रहे इसके साथ ही ये चाहते हैं कि जो वर्कर्स वुमेन वर्कर्स हैं उन्हें अलग से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए आपके संगठन में भेदभाव ना हो जो महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं उन्हें भी उसने ही अधिकार मिलने चाहिए उतना ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो बाकी के कर्मचारियों को संगठन में मिलता है तो ये फेटरनल फंक्शंस जो हैं वो बहुत ही सौम्य तरीके से अपनी बात को रखते हैं और ये चाहते हैं कि जितने भी कर्मचारी संगठन में कार्य कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को जो एम्प्लॉयर है वो प्रोटेक्ट करें और ध्यान दें उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमें उनके प्रमोशन एंड ग्रोथ में और सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों पर ये ध्यान रखते हैं जो हमारे फेटरनल फंक्शंस में कवर होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रामेन्योरल और एक्स्ट्रामेन्योरल फंक्शंस के बारे में इंट्रामेरल मींस इंटरनल जो संगठन के भीतर के जो चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना रखा जाना चाहिए उस पर ये कार्य करते हैं जैसे वेलकम वेलफेयर सिक्योरिटी हो गई जो फ्रेमवर्क फैक्ट्री के विद इन दी फ्रेमवर्क जो सारी चीज़ें आती हैं जैसे उनकी सेफ्टी उनके सिक्योरिटी के बारे में एक बेहतर एन्वायरमेंट उन्हें देना कार्य करने के लिए एक मिनिमम वेजेस उनके तय करना मिनिमम वर्किंग आवर्स उनके कितने होंगे लीव्स उनको कितनी दी जाएंगी वेतन के साथ जो उनकी पेड लीव्स होंगी वो उनको कितनी दी जाएंगी इन सब चर्चाओं पर इन सब इन इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं इंटरनल मेमोरियल फंक्शंस में वेयर एज एक्सटर्नल मेमोरियल फंक्शंस में वो ध्यान देते हैं बाकी की अदर चीज़ों में जैसे कि मेडिकल असिस्टेंस उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर उनको कैसे दी जाएगी उनकी एजुकेशन के बारे में किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो उसको हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रामोरियरल फंक्शंस के तौर पर जानते हैं तो हमारे अगर हम समेक्ष रूप में इसको बात करें कि जो हमारे जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वो अलग अलग तरीके के जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने तीन कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें हमने सबसे पहले बात करी आपके मिलिटेंट फंक्शंस की फिर हमारे आपके बात हुई है फेटरनल फंक्शंस की और तीसरी हमने बात करी एंटा मेरेल और एक्स्ट्रामोरियल फंक्शंस की चलिए अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन कितने प्रकार के ट्रेड यूनियंस हैं किस तरीके से वो कार्य करते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं इसमें हमने ट्रेड यूनियंस को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है सबसे पहले हमने इनको पर्पस के अनुसार बांटा है उद्देश्य क्या है इनके क्या किस प्रकार से ये ट्रेड यूनियन और किस उद्देश्य पे ये कार्य करते हैं उसमें हमारे दो तरीके हैं जैसे रिफॉर्मिस्ट यूनियन है और रेवोल्यूशनरी यूनियज हैं हमारे दूसरा हमने इसको बाधा है सदस्य के अनुसार पे मेंबरशिप के आधार पर हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसमें हमारे क्राफ्ट यूनियनिज़म है स्टाफ यूनियनज़्म है इंडस्ट्रियल यूनियन है और जनरल यूनियन है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पज से अकॉर्डिंग टू पर्पस में हमारा जो सबसे पहला यूनियन है जिसको हम रिफॉर्मिस्ट यूनियन कहते हैं ये यूनियन वे है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी समाज का संरक्षण और समान नियुक्तकर्ता कर्मचारी संबंध को बनाए रखना है उत्पादन की परिस्थिति प्रणाली को खत्म करना है सुधारवादी यूनियन को उद्देश्य के अनुसार हॉक्सी द्वारा उपविभाजित किया गया है व्यापार यूनियन और उत्पादन संवाद में तो ये जो यूनियन है इनका एम है प्रिजर्वेशन ऑफ द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड मेंटेनेंस ऑफ यूजुअल एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ये चाहते हैं ये इस तरीके से रिफॉर्म करना चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी है है, हैं और जो नियोक्ता हैं उनके आपसी संबंध बेहतर बने रहें और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ना हो जिसमें केवल एम्प्लॉयर जो नियुक्त करता है वो केवल अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं उस तरीके से इन चीज़ों को होने से ये यूनियंस रोकते हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस यूनियन है अपलिफ्ट यूनियन है ये चाहते हैं कि आपके संगठन में कार्य अच्छे से चलता रहे और आपके जो कर्मचारी हैं उनमें अपलिफ्ट होता रहे और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें इसके बाद है हमारा रेवोल्यूशनरी यूनियन रेवोल्यूशन यूनियन का उद्देश्य वर्तमान ढांचे की पूरी तरह से नष्ट करना और उसके साथ पसंदीदा माने जाने वाले विचारों के अनुसार नए और अलग स्थान स्थापित करना है जैसे कि हम इस शब्द को जानते हैं रेवोल्यूशन लाना जो हो रहे जितने भी हमारे कार्य हैं जिस प्रकार से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरी तरह तरह से बदलाव लाना और अपने नए नियम्स को नई पॉलिसीज़ को नए स्ट्रैटेजीज़ को लाने को हम रेवोल्यूशनरी यूनियंस की बात करते हैं तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि किस तरीके से पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ों को अपने हिसाब से अपनी तरीके से पूरा कराना वो इस यूनियन का पर्पस रहता है आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दी मेंबरशिप में जिसमें सबसे पहला हमारा आता है क्राफ्ट यूनियन क्राफ्ट यूनियन वो उस तरीके का यूनियन है जहाँ पर वर्कर जो सिमिलर टाइप ऑफ स्किल्स रखते हैं चाहे जो एक समान तरह से कार्य करते हैं उनका कार्य एक जैसा हो या उनका ट्रेड एक जैसा हो या वो एक जैसे बिजनेस में कार्य करते हो वो इस तरीके का यूनियन बना लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो एक जैसी होंगी क्योंकि वो एक तरीके के कार्य को कर रहे हैं इनके सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स और स्पेशलाइजेशन होते हैं मेंबर्स आर यूज मोस्टली दी मोर नॉन मैनुअल वर्कर्स होते हैं और मेंबर्स जो हैं वो क्राफ्ट कॉन्शियस होते हैं देन क्लास कॉन्शियस इनको ये नहीं मतलब है कि हम किस क्लास की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं हमारा स्किल्स क्या है हम किस तरीके के कार्य को कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके बेसिस पे ये यूनियन बना रहे हैं दे टेक मेंबरशिप बेस्ड ऑन दी सिमिलर टाइप ऑफ वर्क एंड दे स्टैंडर्ड देर यूनियंस बाय इंटीग्रेशन ऑफ देयर मेंबर तो ये इनका जो पर्पस है एक यूनियन बनाने का वो ये है कि एक जैसे जो लोग हैं जिनके स्किल्स और कार्य एक तरीके के हैं अगर वो एक अपना यूनियन बना लेंगे तो उनका कार्य करने का और उनके कार्य के प्रति लोगों का जो आ, रिजल्ट है वो बेहतर हो जाएगा और अपनी बात को या अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के कर पाएंगे दूसरा है स्टाफ यूनियन स्टाफ यूनियन में क्या होता है ये बेस्ड अपॉन दी सेंस ऑफ कॉमन स्टेटस एंड द सेम टाइप ऑफ नीड ये जो यूनियन होता है वो इस प्रकार से बनता है कि आप एक तरीके की पदवी और एक तरीके की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं दे ट्राई टू सीक मेंबरशिप फ्रॉम दी नॉन मैनुअल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक क्रालिकल सुपरवाइजर ऑपरेटर्स टेक्नीशियंस या क्राफ्ट तो जिस पटक अलग अलग लेवल पे जो लोग कार्य कर रहे हैं ऑलमोस्ट इनकी जो पदवी है वो एक जैसी और इनकी जो जरूरतें हैं वो भी एक जैसी होती है तो ये अपना एक एक, एक स्टाफ यूनियन बना लेते हैं और यूनिक फीचर ऑफ स्टार यूनियन का ये है वर्कर्स को भी अपना वुमेन्स को भी अपने मेम्बर बनाते हैं जिसकी वजह से इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और लोग इनके साथ ज्यादा जुड़ते हैं इसके बाद ही हमारे इंडस्ट्रियल यूनियंस होते हैं इंडस्ट्रियल यूनियंस इस्पेक्टिव ऑफ क्राफ्ट स्किल ग्रेड पोजीशन एंड जेंडर दी वर्कर्स वर्किंग इन वन इंडस्ट्री वॉर दी मैंबर ऑफ दी इंडस्ट्रियल यूनियन तो अगर आप किसी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं आप उससे ज्वाइंड हैं तो आप इस मेंबरशिप को ले लेते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके स्किल्स क्या हैं आपका जेंडर क्या है आपकी क्या पोजीशन है क्या पर्टिकुलर रोल आप प्ले करते हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्रियल यूनियन के मेम्बर कहलाते हैं तो यहाँ पर ये यूनियन मोर क्लास कॉन्शियस होता है देन दी ट्रेड कॉन्शियस आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं क्या इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू किस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं इसके अलावा हमारा जनरल यूनियन है जैसा कि इसका नाम है वैसा ही ये यूनियन है इसमें सभी प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाता है किसी भी प्रकार के उद्योग के श्रमिक वर्ग के लोग सामान्य संघ के सदस्य हो सकते हैं किसी भी तरीके के मेंबर्स हो सकते हैं वो और ये औद्योगिक संधों की तुलना में अधिक खुला हुआ होता है इसकी संख्या बल अधिक होता है ये ओपन टू ऑल है कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ़ कि वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है किस सेट ऑफ़ स्किल्स को वो बिलोंग करता है क्या उसकी क्लास है क्या उसकी नीड है क्या उसका बिजनेस ट्रेड है उससे कोई भी फ़र्क नहीं है जनरल यूनियन है जो भी कर्मचारी संगठन को ज्वाइन करना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है और इसी की वजह से इस संगठन की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज़ इट इज़ ओपन टू ऑल कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन की जो ट्रेड यूनियन है वो ज़रूरत क्या है उसकी जैसे कि हमने बात करी इसके फंक्शंस की हमने डिस्कशन किया इसके रोल्स के बारे में हमने बात करी ट्रेड uh, यूनियन क्या होता है इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चर्चाओं पर विषय करी लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी ज़रूरत क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है क्यों ट्रेड यूनियन होना ज़रूरी है किसी भी संगठन में इसमें सबसे पहले बात आती है बाय हेल्पिंग इन दी रिक्रूटमेंट एंड दी सेलेक्शन ऑफ दी वर्कर किसी भी संगठन में आप अपने कर्मचारियों को किस प्रकार से भर्ती करते हैं उनका रिक्रूटमेंट करते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन का संगठन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई भी संगठन अपनी मनमानी ना करे और बेहतर से बेहतर एक एक जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज़ है उसे अपना एक चांस मिल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन का कहीं कोई इन्होंने रिजिडिटी तो नहीं लगा रखी है या कोई पर्सनल बायसनेस तो नहीं है या फिर किसी मेंबर की उन्होंने स्केड्यूलिंग तो नहीं कर रखी है रिजर्वेशंस तो नहीं कर रखे हैं उन सारी चीज़ों पर ये ध्यान देता है ट्रेड यूनियन और रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में ये मदद करता है किसी भी संगठन में दूसरा ये इंकलकेट करता है डिसिप्लिन अमंग दी वर्क फोर्स जो भी आपके काम कर रहे कर्मचारी हैं उसके बीच में अनुशासन के लिए होना बहुत जरूरी है किसी भी संगठन में कर्मचारियों में अनुशासन होना बहुत जरूरी है तो उस अनुशासन को बनाए रखना और अनुशासन को लागू करने की भी जिम्मेदारी इस ट्रेड यूनियन की होती है दे ऑल्सो इनेबल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन दी रैशनल मैनर अगर किसी संगठन में कोई विवाद हो रहा है अगर औद्योगिक विवाद चल रहा है और जो इम्प्लॉई इम्प्लॉयर हैं आपस में उनकी बन नहीं रही है या किसी मुद्दे पर उनके आ, उनकी सहमति नहीं हो पा रही है तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है और समझदारी से उस समस्या का ये निपटारा करते हैं रैशनल का मतलब होता है जिसमें आप लॉजिकली थिंकिंग के साथ उन समस्याओं को समझते हैं और बैठ के उनका सोल्यूशन निकालते हैं बाय हेल्पिंग सोशल एडजस्टमेंट ये कोशिश करते हैं आपके जो कर्मचारी हैं वो सोशली एडजस्ट कर सकें अपने कार्य में कोई भी नए वर्किंग कंडीशन में उनको एडजस्ट करने के लिए ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में समझने में मदद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं अलग अलग कार्य करते हुए वो आ रहे हैं उनका कल्चर अलग है उनका रिलीजन अलग है उनकी सोच अलग है तो उनको कैसे हमें एक संगठन में ऑर्गेनाइज़ करना है उनको बचाना है अनसेटिस्फाई होने से फ्रस्ट्रेटेड होने से अगर कोई भी उनके साथ सपोर्ट में नहीं होगा अगर उनको बताएगा नहीं कि संगठन में कार्य कैसे करना है एक नई जगह पे कैसे एडजस्ट करना है तो बहुत हद तक संभावित है कि वो अनसेटिस्फाइड रहें फ्रस्ट्रेटेड रहें जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है अपने कार्य को करने में तो ये ट्रेड यूनियंस उनके इन सारी ओवरकम करता है प्रॉब्लम्स को और उनको मदद करता है कि कैसे वो एक नई जगह पर चीज़ को एडजस्ट कर सकें और अपने आप का सेटलमेंट कर सकें जल्दी से जल्दी इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन है वो सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना केवल संगठन में बल्कि समाज में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इकोनॉमी लेवल पर भी नेशनल इंटीग्रेशन्स में वो किस तरीके से मदद करते हैं तो उसमें बात करते हैं औद्योगिक विवादों की संख्या को कम करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना बढ़ावा देना और बनाए रखना प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर संगठनों में विवाद कम होंगे औद्योगिक विवाद अगर कम होंगे तो डेफिनेटली आपका जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो बनी रहेगी लोग आप, आपस में मिल कार्य करेंगे स्ट्राइक लॉकआउट और ये घिराव जैसी सिचुएशंस कम होंगी जो हमारा देश है वो भी हमारा प्रमोट रहेगा और उसमें पीस मेंटेन रहेगा इसके अलावा औद्योगिक शक्ति प्राप्त करने वाले श्रमिकों को आ, श्रमिकों में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना को भी ये श, आ, शामिल करता है ये बहुत हद तक हमारे संगठनों में इनकॉर्पोरेट करता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो सारे ही संगठन को निभानी चाहिए क्योंकि जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और सोसाइटी के थ्रू ही कर रहे हैं कोई भी संगठन बिना सोसाइटी के बिना समाज के कार्य कर ही नहीं सकता तो वो ये ना समझें कि वो जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो केवल उनके लिए बहुत बड़ी ही उनकी जिम्मेदारी है कि जितना भी वो सोसाइटी से ले रहे हैं चाहे वो प्रॉफिट के रूप में ले रहे हों चाहे वो इनकम के रूप में ले रहे हों उसका कुछ हिस्सा उन्हें समाज में भी लगाना चाहिए समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे उनकी शिक्षा को उनके अस्पताल जैसी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारे पुअर पीपल हैं जिनको ये अपलिफ्ट कर सकते हैं बेटर रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनके साथ साथ उनके समाज में भी वृद्धि हो तो इन सारी चीज़ों को इनकलकेट करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्रेड यूनियन बाई मेकिंग दैम अवेयर अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोशल कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग इंडस्ट्रियल पीस अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन के अधिकार और दायित्व के बारे में इसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्या हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिसबिलिटीज ऑफ अन रजिस्टर्ड यूनियन ऐसे यूनियन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है एक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत ट्रेड यूनियन के किसी भी आधार अनमित या विशेषाधिकार का आनंद नहीं मिलेगा जब तक वे पंजीकृत नहीं हों अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उसको किसी भी प्रकार के राइट्स का इम्यूनिटीज़ का प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड यूनियन जब बनते हैं उन्हें किसी एक्ट के द्वारा अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है तभी वो अपने राइट्स को अपनी ड्यूटीज़ को वो बेहतर तरीके से फुलफिल कर पाएंगे दूसरा इसमें हम बात करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन या उनके किसी अधिकारी का सदस्य के खिलाफ किसी भी नागरिक अदालत में किसी व्यापार विवाद पर विचार करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसमें ट्रेड यूनियन का सदस्य एक पक्ष है केवल इस आधार पर कि ऐसे कृत्व किसी भी अन्य व्यक्ति को रोज़गार के अनुबंध को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है या यह किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय या रोजगार में हस्तक्षेप करता है अगर आप रुकावट पैदा करते हैं किसी के कार्य में या किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी को निपटाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है अगर आप किसी के अंडी ओ अगर आप रखते हैं ऐसा या जैसा कैसा भी श्रम हो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आपको इस केस में इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट सर्विसेज नहीं मिलती हैं अगर आप किसी भी कार्य में अननेसेसरली अपना अनड्यू इन्वॉल्वमेंट रखते हैं इसके साथ ही लाइबिलिटी इन टॉट में हम बात कर रहे हैं अ सूट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और अगेंस्ट एनी मेंबर और ऑफिसर देयर ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ दैम एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड रिस्पेक्ट ऑफ एनी टॉर्चरस एक्ट ए टू हैव बीन कमिटेड बाई और ऑन दी बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन शेल नॉट बी एंटरटेन बाई दी कोर्ट अगर किसी ज़बरदस्ती किसी तरीके से आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं और किसी को परेशान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोर्ट इस पर आपको सहमति दे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस आधार पर कोई भी बात किसी ट्रेड यूनियन या उसके किसी ट्रस्टी या अधिकारी के किसी भी ट्रेड यूनियन की विशिष्ट संपत्ति या अधिकारों को छूने या उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी कष्ट पूर्व कार्य के संबंध में किसी अदालत के मुकदमा दायर करने के दवाइत को प्रभावित नहीं करेगी और किसी व्यापार विवाद पर विचार करने या उसे आगे बढ़ाने में ट्रेड यूनियन द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी कार्य को छोड़कर ट्रेड यूनियन कोई विशिष्ट संपत्ति नहीं दी जाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वो कार्य क्या करते हैं लेकिन उन्हें कार्य करने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं कितने उनके अधिकार हैं और क्या क्या, -क्या उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें हम इनके द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट है प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियंस के द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने वाले एजेंट द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध पर उत्तरदाई होगा बशर्ते कि कोई ट्रेड यूनियन किसी भी अनुबंध पर इतना उत्तरदायी नहीं होगा जो कानून में शून्य या अप्रवर्तनीय है एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन shall बी लाइबल ओनली एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू बाई or और एनी एजेंट on ऑन इट बिहाफ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या आपके बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है तभी आप उस चीज़ के लिए लाइबल है नहीं तो आप नहीं होंगे इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट इन रजिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन नॉट अनलॉफुल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जैसा कि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शेल नॉट बी Only reason that they are in the resistance of trade be deemed to be unlawful to render any member of such trade liable to criminal prosecutions for conspiracy or otherwise to render void or voidable agreement or trust. agar aap koi इस तरीके के कार्य को करते हैं, जहाँ पे आप किसी agreement को void करते हैं या किसी के साथ mistrust जैसी चीजें आप involved हो रहे हैं या उसमें कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका right लागू नहीं होगा। क्या प्रोसीडिंग्स हैं जो बाई और अगेंस्ट होती हैं ट्रेड यूनियन का सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में सी एम बी स्वी टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर इज रजिस्टर्ड नेम जो भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड है उनका नाम अगर पंजीकृत है तो वो किसी को भी स्यू कर सकती हूँ और किसी के द्वारा भी स्यू हो सकती हैं उन पर कोई भी केस कर सकता है अन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में बी स्यूड एंड प्रोसिक्यूटेड अंडर द नेम बाई विच इट हैज़ बीन ऑपरेटिंग और इज जनरली नोन अगर आपका कोई भी पंजीकृत नहीं किया हुआ है आपका जो ट्रेड यूनियन है अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी आपके खिलाफ इस पर कार्रवाई कर सकता है जिस नाम से आप अपना ट्रेड यूनियन रन कर रहे हैं अ ट्रेड यूनियन हूँ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड और विड्रॉन मे बी स्यूड और प्रोसेस्ट अंडर दी नेम बाय विच इट इज़ दी बाय विट इट वॉज रजिस्टर्ड अगर आपका किसी वजह से पंजीकृत रोक दिया गया है उसको कैंसिल कर दिया गया है उसके बावजूद अगर आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है एग्जीक्यूशन फॉर एनी मनी रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रेड यूनियन इन सिविल प्रोसीडिंग में इशू अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द ट्रेड यूनियन अदर देन दी बेनिवलेंट फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अगर आपका जो फंड है ट्रेड यूनियन का उसके अलावा अगर आपके पास कोई और पैसा मिलता है या आपके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट भी आप कार्रवाई की जा सकती है any fine order to be paid by the trade union may be recovered by distress or sale of any movable property belonging to or held in trust for the trade union in accordance with any written law related to the criminal procedure aur agar aapne कोई भी इस तरीके का कार्य किया है जिसमें मूवेबल properties जो हैं आपकी या है, जो आ, जो properties जो move कर सकती हैं उनको आपने ख़रीदा या बेचा है मिस्ट्रेस किया है या क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट अगर वो आती हैं तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई की जा सकती है इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन विच रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज अ पार्टी सच ट्रेड यूनियन में अपियर इन सच प्रोसीडिंग बाय एनी वन ऑफ इट्स ऑफिसर और बाय एन एडवोकेट और अ सॉलिसिटर आपके जो एडवोकेट हैं आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी प्रेजेंट होना पड़ सकता है अगर आप किसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं तो ये आपके प्रोसीडिंग्स हैं बाय एंड अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन अब बात करेंगे फेजेस की जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारी इकनॉमी में ट्रेड यूनियन की ग्रोथ किस प्रकार से हुई इसको हम तीन चरण में पढ़ेंगे पहला चरण दूसरा और तीसरा फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज़ तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट फ़ेज़ से फर्स्ट फेज़ जो था वो हमारा 1980 uh, 1950 से 1900 तक चला 1850 से 1900 तक हमारा ये फ़ेज़ चला था जिसमें इंसेप्शन हुआ था जिसमें शुरुआत हुई थी आपके ट्रेड यूनियन की और ये जो पीरियड था वो ग्रोथ पीरियड थे इंडियन कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेस का जो कि वर्किंग और लिविंग कंडीशन ऑफ लेबर वर पुअर एंड देयर वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग क्योंकि यहाँ पर राजाओं महाराजाओं की बात होती थी और जो कार्य कराया जाता थे कर्मचारियों से वो कम पैसे दिए जाते थे उनकी लिविंग कंडीशन पुअर थी उनको लंबे घंटों तक कार्य कराया जाता था एंड दी कैपिटलिस्ट वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं वो केवल और केवल अपना फ़ायदा और अपने मुनाफे की बात करते थे वो चाहते थे कि बस उनकी ग्रोथ हो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनकी प्रोस्पैरिटी बढ़े प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े इन एडिशन टू दी लॉन्ग वर्किंग आवर्स दियर वेजेस वर लो एंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशन वर पुअर इन द इंडस्ट्रीज एंड इन ऑर्डर टू रेगुलेट दी वर्किंग आवर्स एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल लेबर इंडियन फैक्ट्री एक्ट वॉज इनेक्टेड इन एटीन इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जब उस फेज में होती थी जहाँ पर जो कैपिटलिस्टिक रोल था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और एम्प्लॉइज़ के इंटरेस्ट को सेफ नहीं किया जाता था उन्हें बेटर कंडीशंस नहीं मिलती थी उनको लंबे समय तक कार्य कराया जाता था जिसके लिए उनको वेतन भी कम दिया जाता था तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया वो आया एटीन एटी में जिसने बहुत सारे रेवोल्यूशन लाए और बहुत सारे चेंजेस लाए फॉर द प्रोटेक्शन एंड द बेटरमेंट ऑफ़ दी वर्कर्स इसके बाद हमारा दूसरा चलन चालू हुआ सेकेंड फेज जिसको हम बोलते हैं ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट दैट वॉज फॉल बिटवीन नाइनटीन नाइन नाइनटीन हंड्रेड टू नाइनटीन फोटी सेवन उन्नीस सौ से लेकर उन्नीस सौ सैंतालीस तक ये हमारा जो फ़ेज़ था वो चला ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल मूवमेंट की वर्किंग क्लास का फेज़ था इसमें हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी uh, हुआ था जो उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अठारह के बीच हुआ रशियन रेवोल्यूशन उन्नीस सौ सत्रह में लाया गया ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए गए और 1920 में आके फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं ए आई टी यू सी वॉज और बहुत सारे नेता जो थे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने नेशनल मूवमेंट के लिए मिस्टर एन एन जोशी जो थे वो एक बहुत ऑपरेटिव uh, मेंबर थे इसके 1927 में वो ये बने इसके और ट्रेड यूनियन लॉ बहुत सारे एफर्ट्स के साथ बदलाव के साथ कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए उनके सुविधाओं के लिए ये निर्धारित किया गया इसके बाद आता है आपका तीसरा चरण जिसको कि हम थर्ड फेज के नाम से जानते हैं इसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से हमने रेवोल्यूशन देखा हमारी किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट कर रही थी फॉर दी प्लांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी जो इकनॉमी है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक प्लांट वे में हो तो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स को Uh, बेहतर किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और इसमें यहाँ पर हमारे पास एन फ्रेम हुआ जिसको हम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं ए हमारे पास था जो कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर करता था और वर्कर्स को वाइट कॉलर एम्प्लॉइज़ के नाम से जाना गया सुपरवाइज़र एंड मैनेजर्स वर ट्रेड यूनियन फॉर एग्जांपल इन द बैंकिंग इंश्योरेंस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो जो लोग अच्छी जगह पे कार्य कर रहे थे उन्हें बेहतर सुविधाएं और बेहतर पोजीशन के साथ आगे लाया गया ताकि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो और धीरे 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 करके कर्मचारियों के राइट्स के बारे में उनके इंटरेस्ट और सेफ के बारे में इस चरण में शुरुआत होने लगी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अब हम बात करेंगे लेबर लॉस की श्रम कानून क्या है जब हम लेबर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है हमें जानना हम ट्रेड यूनियंस में क्योंकि हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं सेफ की बात कर रहे हैं तो हमारा लेबर लॉ क्या कहता है वो किस प्रकार से कर्मचारियों के सेफ़ की प्रोटेक्शन की बात करता है और ध्यान करता है तो लॉ क्या होता है पहले उसे जान लेते हैं कानून का नियम या नियमों की एक प्रणाली है जिसे किसी देश में या समुदाय द्वारा अपने सदस्यों के कार्य को विनियमित करने के रूप में मानदा जी जाती है और दंड लगाकर लागू किया जाता है तो लॉ क्या है इसको जानने के लिए जैसा कि हम कह रहे हैं एक सिस्टम है जो एक कंट्री बनाती है कि हमारे किसी भी कार्य का क्या संविधान है किस प्रकार से हम कार्य करेंगे अगर आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप इस तरीके से कार्य को नहीं करते हैं इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पैनल्टी की दी जानेगी आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है आपको इम्पोज किया जाता है अगर आप उस लॉ को नहीं मानते हैं तो इसीलिए सरकार ने लेबर लॉ बनाया जो हमारे कर्मचारी हैं उनके प्रति उनके सेफ के प्रति बहुत सारे नियम और कायदे कानून बनाए गए अगर संगठन इन नियमों को फॉलो करेंगी मानेंगी तो ठीक है अगर नहीं मानेंगी तो उन संगठनों पर पेनल्टीज को इम्पोज किया जाएगा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेबर लॉ हमारे संगठन हमारे सं, आ, हमारी कंट्री में ये लेबर लॉ का डेवलपमेंट क्यों हुआ क्या क्या चीज़ें थी जो इसके रिस्पॉन्सिबल थी सबसे पहले एक्सप्लाइटेशन ऑफ वर्कर्स बाय द कैपिटलिस्टिक लॉ को इसीलिए लाया गया है कि जो कैपिटलिस्टिक थे जो अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं केवल अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते थे वो एम्प्लॉयज़ को क्या करते थे एक्सप्लॉयट करते थे वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते थे लंबे समय तक उनसे कार्य कराते थे उनको वेतन कम देते थे तो इन सारे एक्सप्लॉयटेशन्स को रोकने के लिए लेबर लॉ आया गया सोशल प्रेशर्स एंड प्रेशर्स फ्रॉम ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन थे जो कर्मचारियों के बारे में कार्य कर रहे थे वो चाहते थे सरकार से उनकी मांगें थी कि कोई इस तरीके का नियम या कोई लॉ पास किया जाए ताकि सारे ही संगठन को वो फोर्सफुली मानना पड़े और उसके बिना वो कार्य ना कर सकें गवर्न पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन गवर्नमेंट फिलासफी विच इन टर्न वॉज बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ गवर्नमेंट चाहती थी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं वो भी यही कहती हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं हमारी इकनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके सेफ गार्ड के लिए हम ऐसे कुछ नियमों को लागू करें ताकि लोग उनके साथ एक्सप्लाइटेशन ना कर पाएँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज बनाई गई तब इस लॉ का ध्यान किया गया और इस लॉ को लाया गया सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन में ऑन दी केसेस दैट कम अप इन दी कोर्ट जो कोर्ट में केसेस आते थे जो ट्रेड यूनियन संगठनों के खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे और उनको जब कोर्ट में ले जाते थे तो जब सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते थे तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये राय थी कि कोई ऐसा लॉ निर्धारित कर दिया जाए जिससे कि समय की इस तरह की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान हो सके रिकमेंडेशन फ्रॉम वेरियस कमीशन्स एंड कमेटी सेटअप बाई दी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉ को इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे कमिटीज़ थे बहुत सारे कमीशन थे जो समय समय पर ये रिकमेंड करते थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किस तरीके के कानून होने चाहिए जो हमारे आ, हमारे देश में हमारे कर्मचारियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आई है इंटरनेशनल लेवल पे जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है उसका भी ये कहना था उसका भी ये रिकमेंडेशन था सजेशन था कन्वेंशन था कि इस तरीके के लॉ को लाया जाए ताकि हमारे देश में हम कर्मचारियों को प्रोटेक्ट कर सकें और बढ़ती हुई इनवायरमेंट की जानकारी पहले के लोग जानकारी कम रखते थे उनको नॉलेज कम होती थी लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ये जो तीसरे चरम पर इंडिपेंडेंस के बाद लोगों की जानकारियाँ बढ़ रही हैं तो उन्होंने भी ये देखा कि उनके क्या राइट्स होने चाहिए उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए तो एन्वायरमेंट में जब अवेयरनेस बढ़ जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके प्रोटेक्शंस को सेफ करें और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिनसे उन्हें मदद मिल सके इसके लिए हम बात करते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ लॉ की जितने भी लॉ निर्धारित किए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सामान्य रहती हैं जैसे उनका टाइटल और कमेंसमेंट वो कब से लागू हुआ उनका क्या नाम है उनका पर्पस क्या है प्रियम्बल क्या है उनकी डेफ़िनेशन क्या है सब्सटेंसेस प्रोविजंस क्या वो कवर करते हैं पेनल्टी क्या लगेगी अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स और रिटर्न बहुत ज़रूरी हैं और इंस्पेक्टोरेट और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कौन होगा उस लॉ का तो जानते हैं वेलफेयर ऑफ़ दी एम्प्लॉइज़ के लिए लेबर के लिए किस तरीके के हमारे कैटेगरीज़ ऑफ़ लेबर लॉ बनाए गए इसमें हमने बात करी रेगुलेटरी लेजिस्लेशन टू ओवर सी दी कंडीशन ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस ये देखने के लिए कि हमारे कर्मचारियों को कार्य कराने के लिए अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं बेटर वर्किंग कंडीशन उनको दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं तो उसके लिए रेगुलेटरी रेगुस्लेशन लाया गया जिसमें मशीनरी अरेंजमेंट्स पिटॉन्स वर्किंग आवर्स लीव विद वेजेस के सारे प्रावधान रखे गए ये पहला लॉ था जो रेगुलेटरी रेगुलेशन के लॉ में आता था इसके बाद दूसरा लॉ जो लाया गया वो लेगिजलेशन था रिलेटेड टू वेजेस किस तरीके से हम अपने कर्मचारियों को वेतन देंगे तो उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया 1963 में 1936 में और हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट आया 1948 में ये जो एक्ट है ये निर्धारित करते हैं किसी भी कर्मचारी के मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए जब वो संगठन में किसी लेवल पर कार्य कर रहे हैं एक रेगुलेशन आया रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ पीपल जिसमें हमारा ई एक्ट था नाइनटीन में ये भी पास हुआ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि पास हुआ 1952 में जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है जो उनको एक 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 पर्टिकुलर पीरियड के बाद पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उन्हें जो भी संगठन में वो कार्य कर रहे हैं उनके बाद उन्हें कार्य करने का जो पैसा मिलना चाहिए वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रूप में लाया गया नाइनटीन में इसके बाद हमारे एक लॉज आए रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन जै ताकि हमारे जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में उनको हम बेहतर रख सकें तो हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया 1947 में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया 1946 में और ट्रेड यूनियन एक्ट लागू किया गया 1926 में तो ये सारे जो एक्ट हैं वो ध्यान दे रहे थे कार्य कर रहे थे इन सारी चीज़ों के ऊपर कि संगठनों में हो रहे विवाद जो हैं उनको कैसे रोका जाए और उनके आपसी संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए लेगिस्लेशन रिलेटेड टू सर्विस कंडीशंस जैसे कि इन्वायरमेंट एक्ट आया हमारे पास कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट का कि हम सेल्स प्रमोशन ऑफ दी एम्प्लॉइज़ को बेहतर बना सकें कंडीशंस उनकी कैसे बेहतर कर सकें उसके लिए ध्यान दिया जाने लगा और इसमें हमारे कुछ मिसलेनियस एक्ट थे जो कार्य कर रहे थे अप्रेंटाइजशिप पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे तो ये सारे जो नियम और लॉज लाए गए वो इसीलिए लाए गए ताकि कर्मचारी जो संगठनों में कार्य कर रहे हैं नियुक्तकर्ता और कर्मचारी दोनों पर ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और दोनों के ही इंटरेस्ट को सेफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें कोई भी कर्मचारी किसी भी नियुक्तकर्ता से कोई भी अनचाही मांग पूरी ना करा सके और कोई भी नियुक्तकर्ता अपने कर्मचारियों से गलत कार्य ना करा सके या उनके साथ अनफेयर या इनजस्टिस ना रख सके आगे हम बात करते हैं इंडियन फोर्स की अगर बात करें इंडियन वर्क फोर्स जो है उसमें 430 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हर साल दो परसेंट उसमें ग्रोथ होती है तो हमारे श्रमिक ग्रामीण श्रमिक जो कार्यबल सा, सा, है।, है वो लग लगभग हमारे देश में साठ प्रतिशत है सिक्सटी परसेंट जो हमारा वर्कफोर्स है वो रूरल वर्कर से आता है और हमारा जो एट परसेंट वर्क है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है उसके अलावा हमारा जो थर्टी टू परसेंट जो हमारा वर्क है वो जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारे लेबर के फॉर्मेशन का कि किस प्रकार से हमारे हमारे देश में लेबर का एक फॉर्मेशन है हमने बताया कि 60 परसेंट ऑफ हमारा जो परसेंटेज है लेबर का वो रूरल वर्कर्स से आता है और जो हमारा 8 परसेंट ऑफ वर्कफोर्स है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करता है वेरस थर्टी टू परसेंट जो हमारा वर्कर्स है वो हमारा अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर से आता है तो हमारी इकनॉमी में जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट में हम बात करते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से जब ग्रोथ होगी उसी के साथ हमारी देश का एक साथ विकास होगा और हम बात करते हैं आखिर में एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर बारह ऐसे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में कार्य कर रहे हैं आपको उनसे एक, एक बार हम बता देते हैं कौन कौन से हैं जैसे हमारे पास है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ए है भारतीय मज़दूर संघ है बी जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस है सी है हिंदी मजदूर किसान पंचायत है हिंदी मजदूर सभा है इंडियन फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्य पे तौर पे कार्य करते हैं नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस हैं नेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं यूनाइटेड ट्रेड और यूनियन कांग्रेस हैं और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस लैन सरानी हैं ये, ये बेसिकली कुछ बारह ऐसे संगठन हैं जो हमारे देश में एज अ ट्रेड यूनियन कार्य कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी जो अभिभिन्न विभिन्न संगठनों में कार्य कर रहे हैं वो इसके मेंबर बन के अपने प्रोटेक्ट को अपने सेफ को बचाए रख सकते हैं तो आज के इस व्याख्यान के हमारे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमने इस व्याख्यान के कंटेंट को कवर किया है उस पर आप एक नज़र डाल सकते हैं इसके अलावा कुछ और भी सोर्सेज हैं जहाँ से हमने इन सारे कंटेंट्स को कवर किया है और इसके साथ ही हम आज के व्याख्यान को ख़त्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू